26 जनवरी की परेड में हिमाचल की झलक देखने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस बार प्रदेश को राजपथ पर निकलने वाली झांकियों के लिए दो दफा प्रस्ताव देने का मौका मिला था। आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित इस साल की परेड में प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग ने धामी गोलीकांड का मॉडल भेजा था, लेकिन कड़े मुकाबले में ये प्रस्ताव पहले ही दौर में बाहर हो गया। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने फिर से प्रस्ताव मांगा। दूसरी बार विभाग ने पर्यटन, बागवानी, बिजली क्षेत्र में विकास और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का मॉडल दिया। ये मॉडल पहला दौर तो पास कर गया, लेकिन अंतिम छटनी में बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब सरकार को एक वर्ष और इस मौके का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन भाषा एवं संस्कृति विभाग को निराश नहीं होना चाहिए। इससे पहले विभाग 5 बार सफलता से राजपथ पर अपनी झांकी पेश कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि जनजातीय इलाकों ने प्रदेश की गणतंत्र दिवस की झांकियों में दबदबा रखा है। राजपथ पर साल 2007 में लाहौल स्पीति, 2012 में किन्नौर, 2017 में चंबा की संस्कृति की झलक देखने को मिली थी। वहीं 2018 में लाहौल स्पीति के की गोम्पा की झांकी दिखाई गई थी। साल 2020 में कुल्लू का दशहरा की झांकी को भी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शामिल किया था, लेकिन जिस तरह से इस दफा दो बार मौका मिलने के बाद भी हिमाचल राजपथ में अपनी झांकी प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाया, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विभाग को अगले साल के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।